फ्रेंड्स, हम लोग अपने आपका स्वागत है। तो मेरी दीदी का कल पता नहीं क्या चीज़ का एग्ज़ाम है, तो मेरे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है मेरी दीदी का। तो मेरी दीदी ने बोला है कि पास्ता बना दो ना, तो एक अच्छी बहन होने के नाते तो बना ही सकती है, क्योंकि क्रिसमस भी पास आ रहा है। क्रिसमस में तो मेरी दीदी ही गिफ्ट देती है, अच्छा सा गिफ्ट दे देगी हमको। तो देखिए, पास्ता पानी में डाल दिया है, अब मैं काटूंगी मिर्ची क्योंकि उसको तीखा बहुत पसंद है। चलिए मिर्ची काट रही है मेरे साथ। मिर्ची कट चुका है गाइस, पहले हल्दी नमक डालेंगे ना। नमक आज मैं दिखाऊंगी मास्टर शेफ का कमाल, जो कि मैं हूं। दो तीन चुटकी नमक, मतलब हल्दी डाल देना है पास्ता में। हल्दी के बाद नमक का भी बारी आ ही गया, एकदम मस्त शेफ जैसा। नमक छिड़क दिए हम पानी में, अब मिलाना भी है, थोड़ा सा चिपक जाता है क्योंकि पास्ता, जैसे कि मेरा चिपक रहा है वैसे ही आपको नहीं चिपकाना है, ऐसे हिलाते रहना है जिससे कि चिपके ना। घुमाते जा रहे हैं पास्ता को, और दिखाओ ना इधर लाके पास्ता को। तो देखिए मेरा पास्ता बनने लगा है। मैं चाहती हूँ कि चिपका नहीं, और पास्ता जाके चिपके जा रहा है अंदर में। देखिए इतना पास्ता इतना चिपक गया, इसलिए मुझे अच्छे से करना पड़ रहा है, घुमा घुमा के। मैं घूमू रे घूमू रे घूमू रे। अब मैं डालूंगी, अब मैं वोल्टेज कम कर देती हूँ, फिर मैं डालूंगी मिर्ची। एक एक करके डालूंगी मैं मिर्ची। ज्यादा मत दो, तीखा हो जाएगा ज्यादा। इतना मिर्ची काफी है उसके लिए। चलो दो मिर्ची रख दो, अब मटर डालेंगे हम। देखिएगा बहुत मेहनत लगता है। कृपया करके छोटे बच्चे इसे ट्राई ना करें। मैं 9 साल की हो गई हूँ तो मैं तैयार कर सकती हूँ ना मम्मी। तो यहाँ पे मेरा पास्ता सिज रहा है, पकिंग पकिंग हो रहा है मेरा पास्ता। यहाँ पे ये पनीर मसाला डालेंगे, पनीर चिली मसाला। अब पास्ता मसाला के बिना पास्ता अधूरा ही रहेगा, लेकिन लास्ट में आ जाता है पास्ता मसाला। अब इंतजार करें हम। अरे ये तो तुरंत मलने लग गया, जल्दी सामान बन जाओ। हमको इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि हमको भी खाना है, दीदी को भी खाना है, दादी को खाना है। तो फ्रेंड्स देखिए पास्ता में उबाल आ चुका है, इतना सारा फोम बन गया, लग रहा है ना साबुन से हाथ धो के इसमें फोम डाल दिया है। तो मैं भी डालूंगी इसमें पनीर चिल्ली। पहले इसको कम कर देने दीजिए, इसको 200 पे कर लेना है, तब डालेंगे सब पनीर चिल्ली मसाला। पनीर चिल्ली मसाला डालने के बाद तो ये तो फुदकने लगी, फुदकने लगे के बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे। टेस्टी लगता है, अब इसको मैं मिलाऊंगी। देखिए मेरे पास्ता के लुक कैसे आ रहे, टेस्ट करके भी बताएंगे मेरी दीदी का रिएक्शन। दीदी ही बताएगी मेरी की कैसा लगा, पूछेंगे मेरी दीदी से। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है देखने में। अभी जब तक पूरा ये सीज नहीं जाता ना, पास्ता पीला पीला नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ नहीं करना। देखिए पास्ता में चिपक गया नीचे, उसी को मैं चुराने की कोशिश कर रही हूँ। पहले बर्तन ठीक करो। अरे बर्तन ना, चलो जब तक हो रहा है तब तक थोड़ा सा पानी ही पी लेते हैं।
फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी फ्रिज खिला था, फ्रिज से मिला धनिया पत्ता, अभी इसे काटूंगी मैं धो के। चलिए धोने चले। पत्ता धो लेते हैं धो गए। पत्ता धोने के बाद नागिन डांस करवा देते हैं। नागिन डांस करने के बाद इसे कटने की बारी आ जा रहा है। जिंदगी में पहली बार धनिया पत्ता हम काटे खुद से। इतना पत्ता किसी काम का नहीं है, हम लोग को ये डाल देना है इसमें अंदर। अब इतना फेंक देना है ना। धनिया को इतना है मेरी एक खरगोश, उसको मैं देने जा रही हूँ। ले खा ले तुम भी बाबू, लीजिए खा लीजिए आप। नानी जी इधर थी मेरी खरगोश, आपको एक दिन इसको दिखाएंगे। और अब मिला लेते फटाक से इसे। देखिएगा इस पास्ता के लोग देखे अच्छा बनते जा रहा है ना, उनको लग रहा हल्दी कम डाले हैं, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। एंड में मस्त पीला पीला हल्दी डाल देते हैं गीला होने के लिए। पास्ता मसाला डाली हो अभी थोड़ी ना, बनने के बाद ना डालेंगे। बनने के बाद तो सीज जाता है, तो अब डाल पास्ता मसाला। अब आ चुका है पास्ता मसाला की बारी। हाथ आइए ना भगवान, तो बनाएगी कि जूठा कर देगी रे गंदी बात। हंसी होने लग गया। अभी इधर मैंने पास्ता मसाला भी डाल दिया। देखिए पास्ता मसाला डालने के बाद तो देखिए गाइस, देखने में एकदम मस्त लग रहा है। पता नहीं मेरी दीदी को पसंद आएगा कि नहीं, देखने दीजिए। हो गया है क्या, थोड़ा सा और बाकी है इसको सिझाना। ये जो हाथ दिख रहा है आपको बार बार, ये मेरी मम्मी का हाथ है। ऐसे ऐसे कर हाथ रहा है। फ्रेंड्स तो मेरा पास्ता मन रहा है, ऐसे करो देखो ऐसे करो। फ्रेंड्स समय पास्ता घूम रही। उधर मेरी दीदी इंतजार कर रही होगी पास्ता बना कर, मैं इधर पास्ता बना। देखेगा इसके तो धुआं निकल रहा है, धुआं टट टट भग 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 भग। आप लोग बताइए आप लोग को देखने में पास्ता कैसा लग रहा है। फाइनल लुक दिखाएंगे आपको मन्नी की बर्ड, खुद से बनाया हमको कोई नहीं बनाया है। अब एंड में फिर से थोड़ा पास्ता मसाला डालने के बाद ऐसे करके डाल दे रहे पास्ता मसाला, बहुत टेस्टी होता है इसलिए डाल दिए दो बार हम। अंदर से जल रहा है, हो गया है बंद करो। तो फ्रेंड्स हमारे पास्ता बन के रेडी हो चुका है, गलत तो जल गया अंदर से, देखने दीजिए नहीं जल रहा है। अब इसे एक प्लेट में रखते हैं दो चम्मच के साथ, क्योंकि मुझे और मेरी दीदी दोनों को खाना है। प्लेट तो दिख नहीं रहा है, थाल ले लेते हैं बड़ा थाली, तो मैंने उठा लिया एक थाली। इतना बड़ा थाली में थाली लेंगे हम, थाली का प्लान कैंसल। एक प्लेट मिला है जिसे मैं धो रही हूँ, उसके ऊपर रख के ले जाऊंगी। तो ये है मेरा पास्ता का फाइनल लुक, मैं इसे उतार रही हूँ। रख दिया है पर एक चम्मच के साथ नहीं, दो दो चम्मच। अब दूसरा तो चलिए चलते हैं दीदी को सरप्राइज देने। आइए मेरे पीछे पीछे, दीदी को कैसा लगेगा। दीदी हम भी खाएंगे इसलिए। लो रखो, खा के बताओ कैसा बना है। देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स पास्ता का फाइनल लुक कुछ ऐसा है। अब मेरी दीदी
बताएगी आपको टेस्ट करके कि कैसा मना है। दीदी बताओ कैसा मना है टेस्ट करके। आप भी अपनी दीदी को ऐसे प्यार करते हो मेरी तरह? मैं इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हूँ, तब भी मैंने दीदी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए मैंने दीदी के लिए मैंने पास्ता एकदम गरम गरम बना लिया है टेस्टी वाला, और स्नैप लवर समझ सकते हैं। तो गाइस आप भी अपनी दीदी से इतना प्यार करते हैं तो कमेंट में ब्लू हार्ट डाल दीजिएगा। अगर आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।